दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, महकमा सेहत सिंध की जानिब से सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के तहत सूबे भर में रेस्क्यू 1122 का अमला हमा वक्त खिदमत इंसानी में मसरूफ रहता है। जदीद रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस के जरिए किसी भी हादसे में जख्मी होने वाले या किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में मुब्तला अफराद को तरबियत याफ्ता अमले के जरिए हंगामी इमदाद की फराहमी के बाद बर वक्त करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। क्या आप जानते हैं पिछले 2 साल में सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में सिंध भर से तकरीबन 6,48,292 नॉन इमरजेंसी और 4,67,659 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई हैं। अब तक 13,446 ट्रैफिक हादसात, 1,167 आग लगने के वाकयात और 303 क्राइम केसेस में हंगामी इमदाद फराहम की जा चुकी है, जबकि 2 साल के दौरान एम्बुलेंस में 176 बच्चों की पैदाइश हुई है। और रेस्क्यू के असांगे डिलीवरी जो केस हुयो चिकारपुर सिटी में ही उन्होंने असांगे रेस्क्यू करे गंगा भाई हॉस्पिटल में फौरन पुजायो। विद इन मिनट गाड़ी बिन खां पंजन सेक बिंटन के अंदर अंदर गाड़ी असांगे घर ते पहुंची। वो खड़े बेहतरीन सहूलत सर असा तकलीफ में बैठा से मेन रोड ते इते का भी गाड़ी कोन हुई ना ट्रांसपोर्ट। इन्हन जी वडी मेहरबानी आ जको इन्हन साई यो 112 वरन असा जी मरीज जी डिलीवरी भी कराए मुकमल ऐं साईं खे चवां असां खे छॾे अस्पताल PPH छॾे आया। इन्हनि जी वॾी वॾी महिरबानी आहे सर। इसके अलावा अब तक 43,205 मरीजों को रेस्क्यू 1122 में वेंटिलेटर की सर्विस भी मुहैया की गई है, जिनमें 15,481 दिल के मरीज शामिल हैं। यही नहीं बल्कि रेस्क्यू 1122 के जरिए जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला 1,42,652 मरीजों और ऑक्सीजन पर मौजूद 1,15,211 मरीजों को भी बर वक्त भी इमदाद दी गई है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।